अब हमें अपना थर्ड डैमेजेस देखना है जो कि हमारा एग्जाम्पलरी और विंडक्टिव डैमेजेस। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीन डैमेजेस हमारे बहुत आसान है, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद चलेंगे अपने सिक्स्थ डैमेज के ऊपर जो कि है प्रीफिक्स डैमेजेस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले फटाफट तीसरे चौथे पांचवे को निपटा लेते हैं। तो थर्ड है हमारा एग्जाम्पलरी और विंडक्टिव डैमेजेस। तो ये किस तरीके के डैमेजेस हैं, देख लेते हैं इसको। दीज डैमेजेस आर द डैमेजेस विच आर अवॉर्डेड टू पनिश द गिल्टी पार्टी फॉर द ब्रीच एंड नॉट बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय द इंजर्ड पार्टी। तो ये जो हमारा एग्जाम्पलरी डैमेजेस है, ये डैमेजेस दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पे। देखो, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पर कंपनसेशन पे करा जाता है, ना कि पनिशमेंट दी जाती है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी पनिशमेंट नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पलरी डैमेजेस के अंदर बात होती है पनिशमेंट की। तो इसीलिए जो है एग्जाम्पलरी डैमेजेस हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना होता है क्योंकि हमारे टाइप्स ऑफ डैमेजेस के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर पार्टीज को पनिशमेंट के तौर पर डैमेजेस दिए जाते हैं, यानी डैमेजेस देने का पर्पस है गिल्टी पार्टी को पनिश करना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई कंपनसेशन की बात नहीं आ रही, कोई भी लॉस की भरपाई की बात नहीं आ रही, यहाँ पर तो डायरेक्टली पनिशमेंट की बात आ रही है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो अब सवाल ये आता है कि ये डैमेजेस कहाँ पर दिए जाते हैं, किस सिचुएशन में दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। तो अगर मैं इन डैमेजेस की बात करूँ, such damages are awarded due to its difficulty in measuring the amount of mental suffering or the extent of the injury to the feelings of the aggrieved party. तो देखो यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, पहला है mental suffering और दूसरा है injury to the feeling। तो यहाँ पर बात होती है कि आपने aggrieved party के साथ सिर्फ contract breach नहीं कराया है, बल्कि उसको mentally disturb कर दिया। aggrieved party mentally suffer कर रही है, या फिर aggrieved party की feelings के साथ कुछ गलत हुआ है, feelings को injury हुई है, और ये मेंटल सफरिंग और फीलिंग इंजरी हमारी इतनी ज्यादा है कि इसको हम डैमेजेस के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि एग्री पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो केसेस आते हैं जहां पर विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिए जाते हैं। तो पहला तो है हमारा ब्रीच ऑफ अ प्रॉमिस टू मैरी। तो अगर आप प्रॉमिस टू मैरी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करोगे तो उस केस में तो सिंपल सी बात है, ये इंजरी टू द फीलिंग है। यहाँ पर जो है मेंटल सफरिंग का केस बनता है। अगर मान लो सब कुछ डिसाइड हो चुका था और उसके बाद आप ब्रीच ऑफ अ प्रॉमिस टू मैरी करते हो तो उस केस में तो फिर विंडक्टिव डैमेजेस दिए जाएंगे। उसी तरीके से हमारा दूसरा केस आता है डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय अ बैंकर रॉन्गफुली व्हेन ही पोजेसेस सफिशिएंट फंड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पर सेकंड केस के अंदर हमारा चेक डिसऑनर हो रहा है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि चेक बाउंस हो रहा है, और गलती किसकी है, गलती है बैंकर की। बैंकर की गलती की वजह से, बैंकर के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से चेक बाउंस हो गया, जबकि जो कस्टमर था उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड था। तो ये केस हमारा वहां पर बनता है जहां पर जो कस्टमर है वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बड़ा पर्सन है, बड़ी पर्सनालिटी है, तो वहां पर उसके इमेज पे सवाल आ जाता है। अगर उसका चेक डिसऑनर हो रहा है तो मार्केट में उसका नाम खराब होता है। उसके लिए बात सिर्फ पैसों की नहीं आती, उसके रेपुटेशन की बात आ जाती है, उसके गुडविल की बात आ जाती है। मान लो अगर किसी बड़े बिजनेसमैन ने किसी को चेक दिया और वो चेक बैंक में जमा करते ही डिसऑनर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट में उसका नाम खराब होगा कि उसका चेक तो डिसऑनर हो जाता है। यहाँ पर चेक की अमाउंट जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा रेपुटेशन को इंजरी पहुंचेगी। अगर छोटा चेक डिसऑनर होता है तो उसमें तो और भी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है कि इसके अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं है कि इसका चेक डिसऑनर हो गया। तो इस तरीके की बातें मार्केट में फैल जाती हैं जिसकी वजह से कस्टमर की रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है। तो अगर कस्टमर की रेपुटेशन का नुकसान हो रहा है, मेंटल सफरिंग हो रही है या इंजरी टू द फीलिंग हो रहा है, तो फिर वहां पर भी जो है विंडक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिए जाते हैं। द कोर्ट में अवार्ड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो यही बात जो मैंने अभी बोली वो यहाँ पर लिखी हुई है। इन केस ऑफ अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय बैंकर द रूल ऑफ मेजरिंग डैमेजेस इज द स्मॉलर द चेक द ग्रेटर द डैमेज। तो इस केस में डैमेजेस को मेजर कैसे करा जाता है कि जितना छोटा अमाउंट का चेक होगा उतना ही बड़ा डैमेजेस दिया जाएगा। मान लो किसी करोड़ों के बिजनेसमैन का 5000 का चेक डिसऑनर हो जाए तो उस केस में क्या होगा, उसका नाम खराब होगा, कैश के अकाउंट में 5000 रुपए नहीं है, इस तरीके की अफवाह फैलेगी। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर कि स्मॉलर द चेक ग्रेटर द डैमेज। While ascertaining the damages, the status of customer and whether the customer is a trader will also taken into consideration. तो इस केस में जब भी damages को calculate करा जाता है तो वहाँ पर customer का status भी देखा जाता है कि customer कितनी बड़ी personality है, और साथ के साथ ये भी देखा जाता है कि ये customer trader है या फिर consumer है। अगर मान लो कोई बड़ा पर्सन है और वो ट्रेडर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है वो, तो उस केस में अगर वो बिजनेस करता है तो फिर वहां पर उसका नुकसान और ज्यादा होगा, क्योंकि वो मार्केट में काम कर रहा है और मार्केट में नाम खराब होने की वजह से और ज्यादा रेपुटेशन को हार्म पहुंचेगा। तो अगर कोई कस्टमर ट्रेडर है तो फिर वहां पर डैमेजेस और ज्यादा बन जाएंगे। तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो है डैमेजेस के नाम पर गिल्टी पार्टी को पनिश करा जाता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की। तो ये हमारा एग्जाम्पलरी और विंडक्टिव डैमेजेस हो गया।
अब देखते हैं अपना नेक्स्ट डैमेजेस जो कि है नॉमिनल डैमेजेस। तो नॉमिनल डैमेजेस नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे डैमेजेस जो कि सिर्फ नाम के लिए हैं। नॉमिनल डैमेजेस आर नाइदर कंपनसेटरी नॉर प्यूनेटिव। प्यूनेटिव का मतलब होता है पनिशमेंट। तो नॉमिनल डैमेजेस ना ही कंपनसेटरी होते हैं और ना ही पनिशेबल होते हैं। यहाँ पर एग्री पार्टी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, एग्री पार्टी का कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो अगर लॉस नहीं हुआ तो उसके इसमें कंपनसेशन की तो कोई बात आती नहीं है, और कंपनसेशन की बात नहीं आ रही तो पनिशमेंट की तो बात आने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये नॉमिनल डैमेजेस जो है वो हमारे ना ही कंपनसेटरी होते हैं और ना ही प्यूनेटिव होते हैं। दीज आर अवॉइडेड ओनली फॉर नेमसेक। ये डैमेजेस सिर्फ नाम के लिए दिए जाते हैं। इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फाइल अ सूट फॉर लॉस एंड प्रूव दैट व्हाइल देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हैज नॉट सफर्ड एनी रियल लॉस देन कंपनसेशन फॉर नॉमिनल डैमेजेस इज अवॉइडेड। तो यहाँ पर भी पार्टीज के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से किसी भी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद एग्री पार्टी कोर्ट में जाती है और डिफॉल्टर पार्टी के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करती है। तो फिर इस केस में कोर्ट जो है डिफॉल्टर पार्टी को ऑर्डर देता है कि वो एक नॉमिनल डैमेजेस पे कर दे एग्री पार्टी को। अब ये जो नॉमिनल डैमेजेस है वो ₹1 अमाउंट भी हो सकती है, द अमाउंट कैन बी एज लो एज ₹1। तो कंपनसेशन का सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल है राइट टू अ डिक्री को एस्टैब्लिश करने का। दिस इज डन टू एस्टैब्लिश द राइट टू अ डिक्री। यहाँ पर जो है कोर्ट ये एस्टैब्लिश करना चाहता है कि जो एग्री पार्टी है उसका राइट बनता है सूट फाइल करने का। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो उसको सूट फाइल करना चाहिए, ये उसका राइट है। तो यहाँ पर एग्री पार्टी के राइट को एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है कि उसका जो राइट टू अ डिक्री केस फाइल करने का राइट है उसको एस्टैब्लिश करा जा रहा है। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा नॉमिनल डैमेजेस हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। तो यहाँ पर जो है गुड्स की डिलीवरी में डिले होता है जिसकी वजह से हमारे गुड्स डिटोरिएट हो जाते हैं। डिटोरिएट का मतलब होता है डैमेज हो जाना, गुड्स की क्वालिटी में कमी आ जाना। तो देखते हैं एक बार इसमें क्या कहा जा रहा है। इन द केस ऑफ डिटोरिएशन कॉस्ट टू गुड्स बाय डिले डैमेजेस कैन बी रिकवर फ्रॉम कैरियर इवन विदाउट नोटिस। तो क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनो, गुड्स का डिले हुआ है, गुड्स की डिलीवरी में डिले हुआ है जिसकी वजह से हमारे गुड्स डिटोरिएट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो इस केस में जिस पर्सन ने गुड्स की डिलीवरी में डिले कराए, गुड्स की डिलीवरी में डिले कौन करता है, तो यहाँ पर डिले करा गया है ट्रांसपोर्टर के द्वारा, कैरियर के द्वारा। कैरियर कौन होता है, वो पर्सन जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है, यानी गुड्स की डिलीवरी करवाता है इस जगह से उस जगह। तो वो जो कैरियर है, वो जो ट्रांसपोर्टर है, उसकी लापरवाही की वजह से गुड्स की डिलीवरी में डिले हुआ है। तो अब इस केस में जो भी डैमेजेस होगा, जो भी नुकसान हुआ होगा एग्री पार्टी का, उस नुकसान की भरपाई लॉ यहाँ पर इस कैरियर से करवाएगा। डैमेजेस कैन बी रिकवर फ्रॉम कैरियर इवन विदाउट नोटिस। तो अब ये विदाउट नोटिस का क्या चक्कर है, तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए और बी के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बी ए को बोलता है कि तुम मुझे 50 किलो एप्पल सप्लाई करो। ए जो है हमारा हिमाचल में रहता है और बी जो है हमारा दिल्ली में रहता है। तो ए का हिमाचल में एप्पल का फार्म है जिसको हम एप्पल ऑर्चर्ड भी बोलते हैं। तो ए का एप्पल का ऑर्चर्ड है हिमाचल के अंदर। तो यहाँ पर बी ने ए से 50 किलो एप्पल मांगे और बोला कि इन एप्पल्स की डिलीवरी तुम दिल्ली करवा दो। तो ए ने बोला ठीक है, मैं अगले 10 दिन में डिलीवरी करवा दूंगा। तो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया और जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था वो कितना था, 1 किलो एप्पल थे ₹100 के और 50 किलो एप्पल सप्लाई करने को बोला है। तो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो है ए ने एप्पल सप्लाई करने हैं, तो ए जो है सी के पास गया। सी कौन है, सी ट्रांसपोर्ट कैरियर है जो गुड्स की डिलीवरी करता है। तो ए सी के पास गया और जाकर बोला कि तुम्हें मेरे पास से इन एप्पल्स को उठाना है और लेकर जाना है दिल्ली में बी के पास, बी को सप्लाई करना है। तो सी ने बोला ठीक है मैं सप्लाई कर दूंगा। तो सी ने जो है ए के पास से एप्पल उठाए और अपने ट्रक में लोड कर दिए। तो अब सी एप्पल लेकर चला गया। यहाँ पर बी जो है दिल्ली में एप्पल का इंतजार कर रहा है। 10 दिन निकल गए लेकिन एप्पल आई नहीं। तो बी ने जो है ए को फोन करा और बोला कि तुमने कहा था कि 10 दिन में एप्पल आ जाएंगे लेकिन ये तो अभी तक पहुंचे नहीं। तो ए ने बोला कि एप्पल तो मैंने सी के हाथों भिजवा दिए, अभी तक तुम्हारे पास पहुंचे कैसे नहीं। तो यहाँ पर बी ने थोड़े दिन और इंतजार करा और 20 दिन बाद बी के पास एप्पल पहुंच रहे। एप्पल पहुंचने थे 10 दिन बाद लेकिन पहुंच कितने दिन बाद रहे, 20 दिन बाद। तो जैसे ही बी के पास एप्पल पहुंचे, बी ने एप्पल्स को देखा तो उसके अंदर आधे से ज्यादा एप्पल खराब हो चुके थे। तो बी को तो आया गुस्सा, बी ने लगाया ए को फोन और बोला कि तुमने मुझे कैसे एप्पल भेजे, ये तो खराब है। तो ए ने बोला कि मैंने तो सही एप्पल भेजे थे, गलती तो सी की है। सी ने जो है रास्ते में इतनी देरी लगा दी, 10 दिन की जगह 20 दिन में तुम्हारे पास एप्पल पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कैरियर ने जो है डिलीवरी में डिले कर दिया। तो ए बी से बोला कि तुम्हारा एप्पल को लेकर जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी तुम सी से कर लो, क्योंकि सी की गलती है, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट कैरियर की लापरवाही और गलती की वजह से तुम्हारे पास डिलीवरी लेट हुई है और उसकी वजह से तुम्हारे एप्पल खराब हो गए, तुम्हारे एप्पल फिजिकली डैमेज हो गए। यहाँ पर देख लो डिटोरिएशन के अंदर क्या बोला गया है कि द वर्ड डिटोरिएशन नॉट ओनली इंप्लाइज फिजिकल डैमेज टू द गुड्स बट इट मे ऑल्सो मीन लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। तो यहाँ पर हमारे एप्पल फिजिकली डैमेज हो गए, एप्पल खराब हो गए। बी ने जो एप्पल ₹100 में खरीदे थे वो एप्पल खराब होने के बाद ₹80 के रह गए।
उसका प्राइस अब 80 रुपए रह गया। तो बी ने जो है सी के खिलाफ केस फाइल करा और सी से 20 रुपए के डैमेजेस रिकवर कर लिए। तो यहाँ पर एग्री पार्टी ने ट्रांसपोर्ट कैरियर के ऊपर केस फाइल करा और उससे डैमेजेस रिकवर करे। तो ये हमारा डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले का एग्जांपल हो गया। अब इसके अंदर एक और तरीके का डैमेज आता है, एक तो हो गया हमारा फिजिकल डैमेज। अब यहाँ पर एक और लॉस की बात हो रही है, लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। अब इसका क्या मतलब है तो इसको भी समझ लो, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो बी ने जो है सेब अपने खाने के लिए नहीं मंगाए थे बल्कि आगे सेल करने के लिए मंगाए थे। बी ने ए से 50 किलो सेब मंगवाए थे 100 रुपए किलो के हिसाब से। अब इन सेब को जो है बी आगे मार्केट के अंदर बेचने वाला था 150 रुपए किलो के हिसाब से। तो यहाँ पर बीच में 50 रुपए किलो के हिसाब से बी अपना प्रॉफिट कमाने जा रहा था, लेकिन सी के डिले की वजह से सेब खराब हो गए। तो अब बी जब इनको मार्केट में आगे बेचने गया तो ये सेब 150 रुपए की जगह सिर्फ 80 रुपए में बिक रहे हैं। सेब की कीमत 150 रुपए की जगह 80 रुपए हो गई। तो यहाँ पर तो बी ने सेब खुद ही 100 रुपए खरीदे थे तो उसकी कॉस्ट 100 रुपए थी, लेकिन जब वो मार्केट में बेचने गया तो मार्केट में उसको सेल प्राइस मिल रहा है सिर्फ 80 रुपए। तो यहाँ पर तो उसे 20 रुपए पर किलो के हिसाब से लॉस हो गया। तो अब इस केस में बी जो है सी के पास जाता है और जाकर बोलता है कि जिन एप्पल्स के ऊपर मैं 50 रुपए का प्रॉफिट कमाने वाला था उन एप्पल्स के ऊपर मुझे तुम्हारी वजह से प्रॉफिट तो छोड़ो 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अब तुम मुझे इस 20 रुपए के लॉस की भरपाई तो करके दोगे, लेकिन साथ के साथ जो 50 रुपए का प्रॉफिट मैं कमाने वाला था वो 50 रुपए का प्रॉफिट मुझे तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तो तुम मुझे उस प्रॉफिट की भी भरपाई करके दोगे, उस प्रॉफिट को भी कंपनसेट करके दोगे। मुझे तुमसे 70 रुपए का डैमेजेस चाहिए, 50 रुपए मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट और 20 रुपए मेरा एक्चुअल लॉस। तो ये दोनों डैमेजेस मुझे तुमसे चाहिए। तो यहाँ पर सी ने बोला कि एक्चुअल लॉस तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा, 20 रुपए पर किलो के हिसाब से जो तुम्हारा लॉस है वो तुम्हें मैं दे दूंगा, वो तुम्हारा जनरल डैमेजेस है, लेकिन जो तुम्हें लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है वो मैं तुम्हें नहीं देने वाला, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए के साथ कि मुझे बी को एप्पल सप्लाई करने, तो मेरा सिर्फ इतना ही कॉन्ट्रैक्ट था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मैंने कोई ब्रीच करा है तो वो मेरे लिए डायरेक्ट लॉस है, मेरी वजह से तुम्हारे एप्पल्स की डिलीवरी में डिले हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी सेब की वैल्यू 100 से 80 हो गई। तो यहाँ पर जो तुम्हारा 20 रुपए का लॉस है वो लॉस मैं तुम्हें दे दूंगा, यानी मेरे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट लॉस है वो लॉस मैं तुम्हें पे कर दूंगा, जनरल डैमेजेस मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मुझे ये बात के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि तुम इन सेब को आगे 150 रुपए किलो में बेचने वाले हो। तो अगर मुझे ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते समय तुम्हारे लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पता ही नहीं था तो मैं तुम्हें लॉस ऑफ प्रॉफिट पे क्यों करूं, मैं तुम्हें स्पेशल डैमेजेस पे क्यों करूं, लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा स्पेशल डैमेजेस होता है। तो यहाँ पर सी ने 50 रुपए का लॉस ऑफ प्रॉफिट देने से मना कर दिया। तो अब इस केस में बी चला गया कोर्ट में, बी ने सी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने सारी बातों को सुना और फाइनली जजमेंट दिया कि सी जो है बी को लॉस ऑफ प्रॉफिट भी पे करेगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पता हो या ना पता हो, यहाँ पर उसकी डिलीवरी की वजह से गुड्स डिटोरिएट हुए हैं, तो बी का जो भी लॉस बनता है वो लॉस सी को पे करना पड़ेगा, फिर चाहे वो जनरल डैमेजेस हो या फिर स्पेशल डैमेजेस हो। अब ये तो बहुत गलत जजमेंट आ गया, हमने सेक्शन नंबर 73 में तो कुछ और ही पढ़ा था, वहां पर तो कुछ और ही बात कही जा रही थी। तो बिल्कुल सही है, वहां पर तो कुछ और ही कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली लॉ ने लिख दिया कि डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरियर इवन विदाउट नोटिस। कैरियर को पता हो ना पता हो, कैरियर को नोटिस मिला हो ना मिला हो कि सामने वाली पार्टी के कोई स्पेशल डैमेजेस भी होने वाले हैं, इस बारे में कैरियर को पता हो चाहे ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्री पार्टी के पास पूरा राइट है कि वो कैरियर से सभी तरीके के डैमेजेस रिकवर कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर नीचे वर्ड लिखा हुआ है लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। बी के पास जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल थी, बी के पास जो अपॉर्चुनिटी थी एप्पल को 150 रुपए में बेचने की और 50 रुपए प्रॉफिट कमाने की, वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी लॉस हुई सी की वजह से। तो यहाँ पर लॉ ने साफ साफ बता दिया कि ये जो 50 रुपए का लॉस ऑफ प्रॉफिट है ये भी हमारे ड्यूटोरेशन के अंदर आता है। यहाँ पर सीधे सीधे ये माना जाएगा कि गुड्स की वैल्यू में 70 रुपए का लॉस आया है, 20 रुपए का लॉस हमारा फिजिकल डैमेज का हो गया और 50 रुपए का लॉस हमारा स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल का हो गया। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा हो गया डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज बाय डिले। तो ये हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ अपने तीनों डैमेजेस देख लिए, अब देखते हैं अपना सिक्स्थ डैमेज।